हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं हूं सुनीता। वायरल रेसिपी चेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ 5 मिनट में टेस्टी सी बर्फ़ी बनाकर तैयार करेंगे। त्योहारों में हमारे पास ज़्यादा समय नहीं होता क्योंकि हमें सफाई भी करनी होती है, इसलिए इसे आप जल्दी से 5 मिनट में बनाकर तैयार करते हैं। ये खाने में टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5-7-8 ब्रेड लिए हैं और इस ब्रेड की हम किनारी काट देंगे। अगर आप किनारी को साथ में पीसना चाहते हैं तो साथ में भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर किनारी काट रही हूँ। किनारी को काट कर अलग कर देंगे। इससे क्या होगा कि बर्फ़ी में बिल्कुल सफ़ेद रंग आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर चाहिए तो आप इन्हें साथ में ही पीस सकते हैं। तो इन्हें सभी ब्रेड की किनारी काट कर अलग कर लेंगे। सारी ब्रेड की किनारी काट कर अलग कर लिया। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें छोटे छोटे टुकड़े करके हम ब्रेड डालेंगे। ज़्यादा बड़े टुकड़े नहीं करेंगे, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े हाथ से ही करके इसमें अंदर ब्रेड डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। बिल्कुल पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसकी बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और सिर्फ इसमें एक कटोरी ही दूध डालेंगे। इसमें ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक कटोरी दूध से ये बनकर तैयार हो जाती है। अगर आपको इसमें कोई कलर देना है तो दूध में थोड़ा सा कलर डाल लीजिए या केसर के धागे डाल लीजिए। आपके पास अगर थोड़ा सा इलायची पाउडर है तो इलायची पाउडर भी डाल लीजिए। अब हम इसमें 2-3 चम्मच चीनी डाल देंगे। ज़्यादा चीनी नहीं डालेंगे, सिर्फ 2-3 चम्मच इसके अंदर चीनी डालेंगे और चीनी डालकर चीनी और दूध को अच्छे से उबाल लेंगे। तो यहाँ पर चीनी और दूध अच्छे से उबल गया है और दूध थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिए। थोड़ा सा गाढ़ा करने से ये मिठाई टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। तो अब दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब हमने जो ब्रेड का पाउडर बनाया था वो इसके अंदर डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट तक पकाएंगे। ये जल्दी से दूध को सोख लेगा। इस समय हम गैस की आंच को थोड़ा सा धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर 1-2 मिनट तक इसे पकाएंगे। कोई भी मिठाई बिना घी के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। ये 1 चम्मच घी से टेस्टी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, 1 चम्मच घी डालेंगे और घी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और 1 मिनट तक और पकाएंगे। जब तक इसका डो सा न बन जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, इसका डोसा बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और इसे नीचे उतार कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जिस किसी में भी आप बर्फ़ी सेट करने वाले हैं उसी में हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर लगा लीजिए। घी लगाने के बाद जो हमने बैटर यानी डो तैयार किया था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके ऊपर डालकर अच्छे से सेट कर देंगे। अच्छे से सेट करने के बाद अब हम इसके ऊपर बादाम, कटी हुई बादाम लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसका अच्छा और टेस्टी बिल्कुल बाजार जैसा लुक आएगा। बादाम लगाकर अब हम इसे 1 घंटे के लिए अच्छे से सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। चाकू चलते हुए भी देखिए कितनी ये सॉफ्टली चल रहा है। ये बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। इसमें कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगा और ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं होती। आप दिवाली में घर पर मिठाई बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बनाकर देखिए। बहुत ही टेस्टी और झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। मैं आपको इसका एक पीस कट करके दिखाती हूँ। ये देखो कितनी स्मूदली निकल रही है, एकदम से ही सारी बर्फ़ी निकल रही है। तो ये देखिए दिखने में कितनी स्वादिष्ट और टेस्टी लग रही है। बिल्कुल परफेक्ट बाजार जैसी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर दिवाली स्पेशल हमारी ब्रेड की बर्फ़ी बनकर तैयार है। एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।